नमस्कार, मैं हूं दीपक डोभाल। नाम है बुलेट बुलेटिन। देश दुनिया की हर बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। अब कोई खबर नहीं छूटेगी। सबसे पहले शुरू करते हैं राजनीति की 10 बड़ी खबरों से। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने सीएम कमलनाथ को कल बहुमत साबित करने को कहा है। अगर कमलनाथ सरकार बहुमत साबित नहीं करेगी तो उसे अल्पमत में माना जाएगा। इस बीच खबर यह आ रही है कि बीजेपी विधायकों को फिर से भोपाल से मानेसर भेजने की तैयारी की जा रही है। आज ही बीजेपी ने लालजी टंडन के सामने अपने सभी 106 विधायकों की परेड करवाई। परेड के बाद बीजेपी ने समर्थन की सूची भी सौंपी। इस दौरान राज्यपाल ने विधायकों को भरोसा दिलाया है कि वो संविधान के मुताबिक कार्रवाई जरूर करेंगे। माननीय महामहिम राज्यपाल जी से मेरे बहुत पुराने मधुर संबंध हैं, तो केवल सौजन्य भेंट के लिए गया था, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। मध्य प्रदेश का सियासी ड्रामा अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। बीजेपी की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बीजेपी ने अपनी याचिका में कहा है कि कमलनाथ सरकार अल्पमत में है, इसलिए विधानसभा को स्थगित किया गया है, इसलिए तुरंत फ्लोर टेस्ट कराया जाए। बीजेपी के अल्पमत के दावों पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि अगर ऐसा है तो वो अविश्वास प्रस्ताव ले आए। उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में 3 बार बहुमत साबित किया है। अगर इनको लगता है कि हमारी सरकार के पास बहुमत नहीं है तो अविश्वास प्रस्ताव ले आए। माना जा रहा था कि आज विधानसभा में कमलनाथ सरकार का फ्लोर टेस्ट हो सकता है, लेकिन विधानसभा को आज 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा चुनाव से पहले गुजरात कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। गुजरात कांग्रेस के 5 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस ने हॉर्स ट्रेडिंग के डर से अपने विधायकों को जयपुर शिफ्ट कर दिया। गुजरात में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए 26 मार्च को वोटिंग होनी है। भाजपा गठबंधन के पास 106 जबकि कांग्रेस के पास जिग्नेश मेवाणी समेत 69 विधायक हैं। आज लोकसभा की कार्रवाई के दौरान राहुल गांधी ने यस बैंक का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि बैंकों की बदतर हालत के लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने बैंकों का पैसा चुराया है। मैं जानना चाहता हूं कि 50 सबसे बड़े डिफॉल्टर कौन हैं। पीएम कहते हैं कि जिन लोगों ने हिंदुस्तान के पैसों की चोरी की है उन्हें मैं पकड़ कर लाऊंगा। जब अनुराग ठाकुर इस सवाल का जवाब देने लगे तो कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर की और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से जवाब देने को कहा। हालांकि अनुराग ठाकुर ने राहुल के सवालों के जवाब में कहा कि 25 लाख रुपए से ज्यादा के डिफॉल्टर्स के नाम सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। उन्होंने प्रियंका गांधी और राणा कपूर के पेंटिंग वाले मुद्दे पर भी तंज कसा। किए गए पापों को दूसरे सिर पर मारना चाहते हैं, वो हम होने नहीं देंगे। विलफुल डिफॉल्टर जो है 25 लाख से ज्यादा वालों की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध होती है, 25 लाख से ज्यादा की, और जो डिफॉल्टर है 1 करोड़ से ज्यादा उनकी भी जानकारी होती है। और अगर आप नाम पढ़कर देना चाहते हैं तो सारे के सारे नाम पढ़कर आपके सामने मैं देने के लिए तैयार भी हूँ, सभा पटल पर रखने के लिए तैयार भी हूँ सर। तेलंगाना विधानसभा ने CAA, NPR और NRC के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव में केंद्र सरकार से CAA से किसी भी धर्म या दूसरे देश का उल्लेख हटाते हुए उसमें संशोधन करने की अपील की गई है। तेलंगाना के CM के चंद्रशेखर राव ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि सदस्य NPR और NRC को लेकर चिंतित हैं क्योंकि इससे बड़ी संख्या में लोग बाहर हो सकते हैं। प्रस्ताव में तेलंगाना सरकार से राज्य के लोगों को NPR और NRC से सुरक्षित रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने की अपील भी की गई है। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने नई राजनीतिक पार्टी बना ली है। चंद्रशेखर ने अपनी नई पार्टी का नाम आजाद समाज पार्टी रखा है। चंद्रशेखर ने BSP के संस्थापक कांशीराम की जयंती के दिन आजाद समाज पार्टी का ऐलान किया है। चंद्रशेखर ने अपनी पार्टी के झंडे का रंग नीला रखा है। मायावती की पार्टी बसपा के झंडे का रंग भी नीला है। चंद्रशेखर की नजर यूपी के दलित समुदाय और बसपा के वोट बैंक पर है। टाडा कोर्ट ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के अध्यक्ष यासीन मलिक और 6 दूसरे लोगों के खिलाफ भारतीय वायुसेना के अधिकारी रवि खन्ना के अलावा 3 दूसरे लोगों की हत्या के मामले में आरोप तय कर दिए हैं। 25 जनवरी 1990 को एयरफोर्स अधिकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी जिसमें 5 अधिकारी शहीद हो गए थे। इसके बाद इस हमले की जांच CBI को सौंपी गई थी। CBI इन सभी के खिलाफ आरोप साबित करने में कामयाब रही थी। टाडा कोर्ट ने मामले में यासीन मलिक के अलावा जावेद अहमद मीर उर्फ नालका, मंजूर अहमद सोफी उर्फ मुश्तफा, नाना जी उर्फ सलीम, अली मोहम्मद मीर, शौकत अहमद बख्शी और जावेद अहमद जरगर पर आरोप तय किए हैं। उत्तर पूर्वी जिले में दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या कर दी गई थी। अब इस मामले में आम आदमी पार्टी से निष्कासित निगम पार्षद ताहिर हुसैन को आज गिरफ्तार कर लिया गया। ताहिर हुसैन को गिरफ्तारी के बाद 4 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है।
ताहिर हुसैन पहले दंगे के मामले में पहले से गिरफ्तार था, अब उसे अंकित शर्मा मर्डर केस में भी गिरफ्तार कर रिमांड पर ले लिया गया है। इसके अलावा दिल्ली हिंसा के आरोपी ताहिर हुसैन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ईडी पहले ही मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज कर चुकी है। भीमा गोरेगांव हिंसा में गौतम नवलखा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकर्ता गौतम नवलखा और आनंद तेल तुम्बडे की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने नवलखा और तेल तुम्बडे को आत्मसमर्पण करने के लिए 3 हफ्तों का समय दिया है। साथ ही कोर्ट ने उन्हें जल्द से जल्द अपना पासपोर्ट आत्मसमर्पण करने को कहा है। अदालत ने 6 मार्च को दोनों कार्यकर्ताओं को दी गई गिरफ्तारी की अंतरिम सुरक्षा को बढ़ा दिया था। तेल तुम्बडे और नवलखा ने सुप्रीम कोर्ट में पिछले साल नवंबर में गिरफ्तारी से पहले जमानत की मांग की थी, जब पुणे के सत्र अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। निर्भया के दोषी फांसी से बचने के लिए हर एक कानूनी पेचीदगियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 में से 3 दोषी अक्षय, पवन और विनय ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में का रुख किया है और फांसी की सजा पर रोक लगाए जाने की मांग की है। दोषियों के वकील ने कहा कि मामला आईसीजे में रखा गया है, दोषियों के हक में जा रही बातों की उपेक्षा की गई है, इसलिए कुछ विदेशी एनजीओ मामला लेकर गए हैं। हालांकि इन बातों का 20 मार्च को तय फांसी पर कोई असर पड़ने की उम्मीद नहीं है। इससे पहले आज ही सुप्रीम कोर्ट ने दोषी मुकेश सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अपने सभी कानूनी उपायों को ये कहते हुए बहाल करने का अनुरोध किया था कि उसके पुराने वकील ने उसे गुमराह किया था। दोषियों को 20 मार्च को सुबह 5:30 बजे फांसी दी जानी है। तो ये थी राजनीति की 10 बड़ी खबरें। कुछ इसी अंदाज में अब देखते हैं बिजनेस और कारोबार की 10 बड़ी खबरें, बिजनेस टॉप 10। कारोबारी हफ्ते के पहले ही दिन बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स करीब 2713 अंकों की गिरावट के साथ 31390 पर बंद हुआ, तो वही निफ्टी करीब 758 अंकों की गिरावट के साथ 197 पर बंद हुआ। दिग्गजों के साथ ही छोटे मझोले शेयरों की भी आज जमकर पिटाई हुई है। बीएससी मिड कैप इंडेक्स 3.3% और स्मॉल कैप इंडेक्स 3.8% टूटकर बंद हुए। तेल गैस शेयरों की भी जमकर पिटाई हुई। शेयर बाजार के साथ कमोडिटी बाजारों का भी बुरा हाल है। सोने और चांदी में भारी गिरावट देखी जा रही है। एमसीएक्स पर सोना 38,500 रुपए के नीचे लुढ़क गया है, यानी करीब 1700 रुपए की बड़ी गिरावट है। इसी तरह चांदी में भी 6,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट है। एमसीएक्स पर चांदी का भाव 34,000 के नीचे फिसल गया है। इंट्राडे में चांदी 16% तक टूट गई। विदेशी बाजारों में भी चांदी में 11 सालों की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले हफ्ते सोने में 8% से ज्यादा की गिरावट दिखाई दी। शुक्रवार को मजबूती के बाद रुपए में आज फिर से कमजोरी है। रुपया आज डॉलर के मुकाबले 50 पैसे कमजोर हुआ है। $1 का भाव 74.25 रुपए से ज्यादा हो गया। आज रुपया डॉलर के मुकाबले 17 पैसे की कमजोरी के साथ 74.08 के भाव पर खुला। रुपए में एक गिरावट अमेरिकी फेड की ओर से ब्याज दरों में कटौती के बाद देखने को मिली है। शुक्रवार को ही रुपए ने रिकॉर्ड निचला स्तर 75.50 छुआ था, लेकिन इसके बाद रुपए में रिकवरी लौटी थी और यह 73.75 के भाव पर बंद हुआ था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से इकोनॉमिक स्लोडाउन की आशंकाओं को देखते हुए निवेशकों के मन में डर बैठ गया है, जिसकी वजह से रुपए लगातार कमजोर हो रहा है। बाजार में मची इस तबाही के बीच ही SBI कार्ड्स की लिस्टिंग भी हुई, जो कि बेहद कमजोर रही। शेयर 14% की गिरावट के साथ NSE पर 661 रुपए पर लिस्ट हुआ, जबकि इसका इश्यू प्राइस 755 रुपए था। BSE पर यह 658 रुपए पर लिस्ट हुआ। SBI कार्ड्स का IPO 2 साल के दौरान सबसे बड़ा IPO था, जो 22 गुना ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था। इस IPO की बंपर लिस्टिंग की उम्मीद थी, लेकिन दुनिया भर में कोरोना संकट की वजह से निवेशकों को इस IPO से मायूसी हाथ लगी। हमारे फंडामेंटल स्ट्रांग है, हमारी ग्रोथ स्टोरी अच्छी है, हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत स्ट्रांग है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स काफी स्ट्रांग है हमारे। जिन लोगों ने, शेयर होल्डर्स ने बिलीव किया है, उनको सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ कि ये दे कैन कंटिन्यू टू रिपोज लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन दिस कंपनी। यस बैंक को लेकर रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक बार फिर भरोसा दिया है कि डिपॉजिटर्स को डरने की जरूरत नहीं है, उनका पैसा बिल्कुल सुरक्षित है। जहां तक PMC का सवाल है, दोनों मामले बिल्कुल अलग अलग हैं। यस बैंक को PCA फ्रेमवर्क में लेकर जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि यस बैंक का बोर्ड 26 मार्च को चार्ज लेगा। यस बैंक की पहचान बनी रहेगी। बुधवार से यस बैंक से पैसा निकालने के लिए लगाई गई रोक हटा दी जाएगी, यानी ग्राहक अपने खातों से 50,000 रुपए से ज्यादा निकाल पाएंगे। Lifting of moratorium is taking place after three working days of putting the final scheme in, after notification of the final scheme. That will be on Wednesday, 18th March at 6 p.m. The moratorium gets lifted.
कोरोना संकट का अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है, ये कहना है रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांता दास का। और यही वजह है कि संकट की घड़ी में समय से पहले रेट कट हो सकता है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि समय से पहले रेट कट से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन रेट कट का फैसला एमपीसी की बैठक में ही होगा। एमपीसी की बैठक में कोरोना के असर को ध्यान में रखा जाएगा। आरबीआई गवर्नर ने डॉलर की उपलब्धता के लिए एक और डॉलर रुपया फॉरेक्स स्वैप लाने का ऐलान किया है। इसे 23 मार्च को लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा 1,00,000 करोड़ का लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन यानी कि LTRO भी लाया जाएगा। कोरोना वायरस के संकट से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें घटाकर करीब 0% कर दी हैं। अब अमेरिकी ब्याज दर 0% से 0.25% की रेंज में है, जो कि पहले 1% से 1.25% के बीच थी। 2008 की मंदी के बाद फेड रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में अब तक की यह सबसे बड़ी कटौती है। इसके अलावा फेड ने $70,000 करोड़ के राहत पैकेज का भी ऐलान किया है। फेड ने अपने बयान में कहा है कि अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियां अभी बरकरार हैं। फेड के फैसले के बाद डाउ फ्यूचर्स में लोअर सर्किट लगा। यस बैंक 19 मार्च से निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी से बाहर हो जाएगा। हालांकि पहले यह बदलाव 27 मार्च से लागू होने वाले थे। यस बैंक की जगह श्री सीमेंट निफ्टी में शामिल होगा। यस बैंक निफ्टी 100 और निफ्टी 500 से भी बाहर हो जाएगा। इसकी जगह पर अडानी ट्रांसमिशन, स्टर्लिंग और विल्सन सोलर शामिल होंगे। रीस्ट्रक्चरिंग प्लान के बावजूद यस बैंक का शेयर आज 50% तक उछला। रीस्ट्रक्चरिंग प्लान के तहत 100 से ज्यादा शेयर रखने वालों जो निवेशक हैं उनका 75% हिस्सा 3 साल के लिए लॉक हो जाएगा। वोडाफोन आइडिया ने AGR के लिए 3,354 करोड़ रुपए का और भुगतान कर दिया है। कंपनी ने अब तक कुल 6,854 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है। कंपनी ने अपने आंकलन के मुताबिक उसे 21,533 करोड़ रुपए AGR के तौर पर चुकाने हैं। उनका ये कहना था प्रिंसिपल अमाउंट करीब 6,854 करोड़ रुपए होता है, जो कि उसने चुका दिया है। लेकिन टेलीकॉम विभाग के आंकड़ों में AGR का बकाया 53,000 करोड़ रुपए है। सुप्रीम कोर्ट में कल इस मसले पर सुनवाई भी होनी है। सरकार ने कोर्ट से बकाए चुकाने के लिए 20 किस्तों में भुगतान की अपील की है, ताकि टेलीकॉम कंपनियों को थोड़ी राहत मिल सके। सरकार ने कोर्ट से कहा है कि टेलीकॉम कंपनियों को भुगतान के लिए 20 साल की मोहलत दी जाए। देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक देश में 114 कोरोना के मरीज मिले हैं। 13 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं। यहां कोरोना के 19 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमित मरीजों की संख्या राज्य में 38 हो गई है। राज्य में महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू कर दिया गया है। इससे अधिकारियों को लॉकडाउन और क्वारंटाइन जैसे कदम उठाने के लिए और ज्यादा अधिकार मिल जाते हैं। राज्य के स्कूल, कॉलेज, सिनेमा बंद हैं। मुंबई पुलिस ने ऐसे किसी भी टूर को 31 मार्च तक के लिए बैन करने का आदेश दिया है, जिसमें विदेश या भारत में भी बड़ी संख्या में लोग ग्रुप बनाकर घूमने वाले हैं। यह आदेश निजी टूर ऑपरेटर्स के साथ साथ सभी पर लागू होगा। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते संकट को देखते हुए गणपति के सबसे बड़े दरबार मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर को भी बंद कर दिया गया है। सिद्धिविनायक मंदिर को कोरोना वायरस के डर से अगले आदेश तक के लिए बंद रखने का फैसला किया गया है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए एहतियातन बचने के उपाय किए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से मंदिरों को बंद करने की सिफारिश की गई थी, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। लेकिन मंदिर ट्रस्ट का मेडिकल हेल्प का फंड का ऑफिस जो है वो चलता रहेगा। मंदिर प्रशासन ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए कई कदम उठाए हैं। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में सुरक्षा कर्मियों और सफाई कर्मियों को मास्क लगाकर काम करने की हिदायत दी गई। कोरोना से जंग में दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में एक साथ 50 लोगों के जमा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। यह फैसला शाहीन बाग पर भी लागू होगा। दिल्ली सरकार ने कहा है कि किसी भी प्रोटेस्ट को मंजूरी नहीं मिलेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना को लेकर अफवाहें न फैलाने के साथ ही दहशत में न आने की भी अपील की है। साथ ही दिल्ली में जिम, नाइट क्लब और स्पा सेंटर को भी 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। कोरोना से जंग में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने नापतोल विभाग ने महंगे मास्क और सैनिटाइजर बेचने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। सरकार ने विभाग के अधिकारियों को निरीक्षण के लिए बाजार में भेजने का निर्देश भी दिया है। जमाखोरी, महंगे मास्क और सैनिटाइजर बेचने वालों को पकड़ने का आदेश दिया गया है। कोरोना वायरस की वजह से अगर किसी की मौत हुई तो बिहार की नीतीश सरकार 4,00,000 रुपए का मुआवजा देगी और इलाज का सारा खर्च भी बिहार सरकार उठाएगी। कोरोना से संक्रमित मरीजों का खर्च मुख्यमंत्री सहायता कोष से वहन होगा। कोरोना का असर सभी पर पड़ रहा है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों का वनडे सीरीज अब रद्द हो गई है। लखनऊ में दूसरा वनडे 15 मार्च को, तीसरा वनडे कोलकाता में 18 मार्च को खेला जाना था और कोरोना वायरस के कारण बाद में उसे रद्द कर दिया गया। दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम कोलकाता के रास्ते कल स्वदेश के लिए रवाना होगी। भारत में दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के बीच 3 मैचों की सीरीज का पहला मैच धर्मशाला में खेला जाना था, लेकिन बारिश के कारण वो मैच नहीं हो सका। मास्क
कोरोना वायरस के चलते खेल मंत्री किरण रिजिजू और IOA के शीर्ष अधिकारियों का इस महीने के अंत में टोक्यो दौरा फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। उनका दौरा 25 से 29 मार्च तक था, जो ओलंपिक के लिए भारत में साजो सामान से जुड़ी तैयारियों को देखने के लिए होना था। अब यह दौरा बाद में कराया जाएगा, जिसकी तारीख अभी बाद में तय की जाएगी। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भी नया तरीका खोज निकाला है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने अपील की है कि जो भी व्यक्ति देश से बाहर यात्रा कर वापस लौटे हैं, वो खुद को 14 दिन के लिए सेल्फ आइसोलेशन में रखें, ताकि अगर किसी को कोरोना वायरस है तो वो किसी और तक ना फैले। हालांकि देश के प्रधानमंत्री की इस अपील पर वहां के एक पत्रकार ने ट्वीट कर सरकार से लिखा है कि ये कैसे पता लगाए कि आइसोलेशन में रखा है या नहीं, यानी कि तंज कसा गया है। इस बीच कोरोना वायरस का असर फिल्मों की शूटिंग पर भी पड़ रहा है। फिल्म और टीवी इंडस्ट्री ने 19 मार्च से 31 मार्च तक शूटिंग बंद करने का फैसला किया है। सभी प्रोडक्शन हाउस को पैकअप करने के लिए 4 दिन का वक्त दिया गया है और उसके बाद शूटिंग सेट बंद करवाने का ऐलान किया गया है। इसी के साथ बुलेट बुलेटिन के आज के एपिसोड में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।